दिल्ली NCR में फैली धुंध को रोकने में जैविक खेती बड़ा योगदान दे सकती है यदि इसे बड़े पैमाने पर चलन में लाया जाए। 19वें ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान ये मुद्दा किसानों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय रहा। कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य जैविक खेती की तरफ जागरूकता फैलाना है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में चल रहे ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस 2017 में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने प्रकृति को हो रहे नुकसान से बचाने के कई नुस्खे बताए। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच खेती के अलग अलग नए तरीकों की जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई, जिससे फसल बेहतर पैदावार दे सकें। दिल्ली NCR इन दिनों गैस का चैम्बर बनी हुई है और प्रदूषित कोहरा हर जगह वातावरण में फैला हुआ है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण फसल को जलाना है, जिसका धुआं वातावरण में फैलता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के संयुक्त निदेशक रविकांत अवस्थी ने जैविक खेती के तरीके बताए जिससे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ज़्यादातर हमारी खेती जो है मैकेनाइज हो गई है। मैकेनाइज होने के बाद जो है हम लोग इसको जो कंबाइन हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें बहुत मात्रा में हमारी जो फसल अवशेष रह जाते हैं उसको जला दिया जाता है। उसको हम बड़ी सरल तरीके से हम एक मैकेनाइज तरीके से जिसको रोटावेटर बोलते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली एक इक्विपमेंट लगता है, उससे हम मृदा में उसको मिला सकते हैं। मिलाने से हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धि बढ़ सकती है, पानी में नमी बढ़ सकती है, सॉइल एग्रीगेट्स हमारे जो होते हैं सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी जो पोषक तत्व रोकने मृदा में रोकने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो आने वाली अगली जो फसल हम गेहूं की लगाते हैं या मटर की लगाते हैं या सरसों की लगाते हैं उसकी पोषक तत्व की आपूर्ति हो जाती है, तो वो बहुत बड़ा फायदा है। उसके साथ में जो हवा में जो जलाने से वायुमंडल में जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वो घट जाएगी। ये बड़ा आसान तरीका है जिससे फसल के कूड़े को जलाने की जरूरत भी नहीं होती और अगली फसल भी बेहतर होती है। यहाँ मौजूद किसानों ने भी दिल्ली NCR में फैले प्रदूषण को देखते हुए इन नए तरीकों के बारे में बताया। नहीं, हमारे गाँव में तो सर नहीं होता है। दिल्ली में तो क्या है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, या तो जीना भी बेकार हो गया है। तो आप जो खेती करते हैं उससे पॉल्यूशन कम होता है? जी, जैविक खेती से बिल्कुल कम ही होता है। जैविक खेती में खाद और यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग पर असर नहीं पड़ता, सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, मिट्टी स्वस्थ रहती है और पानी की बचत होती है, जिसके कारण ये खेती का एक सतत साधन है। भारत में इसका चलन कम है। इसको बढ़ावा देने से किसानों की आमदनी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुँचेगा। सम्राट शर्मा, GoNews।